सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर, मालवा और निमाड़ में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने और किसानों को राहत देने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल इंदौर भेजा है। पिछले कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी और बीच में वर्षा नहीं होने के कारण भी तापमान बहुत था और फिर वर्षा बहुत होने लग गई। इन सब के कारण मालवा और निमाड़ में, खास करके इंदौर जिले में, सावेर में, देपालपुर में, राव में, आसपास के क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगभग पूरी बर्बाद हो गई और उसमें बीमारी अलग लग गई। इस विषय को लेकर लोकसभा में ये विषय उठाया था और मैंने कहा था कि जब तक अगली फसल ना हो तब तक ऋण वसूली रोकी जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि इंदौर जिले को आपदा जिला घोषित किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए। कल से दो दिन दिवसीय एक केंद्रीय दल यहाँ मुआयना करने आया हुआ है और उन्होंने खेतों में मुआयना किया और आज मैं उनसे मिला भी और उनको पूरा विषय बताया कि किस प्रकार किसानों की फसल बर्बाद हुई है और उन्होंने स्वयं देखा भी और उन्होंने ये महसूस भी किया कि किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय कृषि मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, उसमें तीन बातें का जिक्र करा है। एक तो आपदाग्रस्त जिला घोषित किया जाए, दूसरा मुआवजा दिया जाए और तीसरा अगली फसल आने तक जो ऋण की वसूली है वो रोकी जाए। मैं आशा करता हूं कि ये दल अपनी रिपोर्ट भी देगा और सरकार इस बारे में विचार भी करेगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान देश में इस बार अनुकूल मौसम होने को देखते हुए हमारे क्षेत्र में किसानों ने बड़ी तादाद में सोयाबीन की बुआई की थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस प्रकार गेहूं बम्पर मात्रा में हुआ है उसी प्रकार तिलहन की फसल भी बम्पर मात्रा में होगी। मालवा और निमाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश लंबे अंतराल तक और उसके अलावा अधिक वर्षा होने तक और तापमान भी अधिक होने के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है। सोयाबीन की फलियों में दाना तक नहीं लगा है, यहाँ तक कि येलो मोजक नामक वायरस का असर सोयाबीन पे देखने को मिल रहा है। किसानों का बीज व खर्च की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति में किसान कैसे कर्ज जुगाएगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करूँगा कि किसानों द्वारा बैंक से लिए गए ऋण, फसल ऋण तथा ब्याज की वसूली को स्थगित किया जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।